नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम सुक्खू का आज कांगड़ा दौरा। जी हां, कांगड़ा दौरा, बेहद महत्वपूर्ण डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आ रही है, मेधावी छात्रों को करेंगे सम्मानित। इस मौके पर जानकारी आ रही है आपको बता दें, 14 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, तो जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, 14 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। ये बड़ी खबर आ रही है, जनता को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम सुक्खू का आज कांगड़ा का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि नाहन में बीजेपी का 46वां तृतीय सम्मेलन आयोजित किया गया और ये सम्मेलन 13 मार्च तक प्रदेश में चलेंगे। साथ ही पार्टी के तृतीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिरकत की। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। वहीं राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार सत्ता में रहने का हक खो चुकी है और सरकार के पास अब झूठ परोसने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में त्रिदेव सम्मेलन का काम चला है, अर्थात पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, बीएलए और पालक। हमारे 7,990 पोलिंग बूथ हैं। इस प्रकार लगभग 24,000 त्रिदेव भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम करते हैं। आज ये 46वां त्रिदेव सम्मेलन संपन्न हुआ है और 13 तारीख तक 68 के 68 त्रिदेव सम्मेलन पूरे हो जाएंगे। रुकेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी खबर बड़ी जानकारी, बागी विधायक का से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तो एमएलए के पिता और निर्दलीय विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। चैतन्य शर्मा के पिता को ठहराया आरोपी, इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला के बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो कांग्रेस विधायक का संजय अवस्थी ने दर्ज कराई है एफआईआर। बागी विधायक से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलए के पिता और निर्दलीय विधायक पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चैतन्य शर्मा के पिता को आरोपी ठहराया गया है। तो शिमला के बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उधर नाहन में बीजेपी के संकल्प पत्र यात्रा की दरअसल शुरुआत हुई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर के जिला मुख्यालय से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने संकल्प पत्र को भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए मोदी सरकार की ओर से लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आम जनता किस तरह की सरकार चाहती है और उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए जगह जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर सुझाव पेटियां भी लगाई जाएंगी। आज देश भर में संकल्प पत्र यात्राएं शुरू हो रही हैं। मेरा देश कैसा बनना चाहिए उसके लिए माननीय मोदी जी ने पूरे देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये मोदी की गारंटी की 8 गाड़ियां आज शुरू हो रही हैं। ये गांव-गांव जाएंगी, सभी जनमानस के सुझाव एकत्रित करेंगी और वो माननीय मोदी जी को प्रेषित किए जाएंगे। शहर के महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर और पेटिकाएं लगाई जा रही हैं, नमो ऐप के माध्यम से सुझाव दिए जा सकते हैं।
उधर हिमाचल प्रदेश फिल्म और मनोरंजन जगत के लोगों की पसंदीदा जगह मानी जाती है। इन दिनों मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी हिमाचल की खूबसूरत वादियों में स्पॉट हुए हैं। उन्हें किन्नौर में स्थानीय लोगों के साथ मस्ती भरे अंदाज में देखा गया, साथ ही दिलजीत किन्नौर के पारंपरिक नृत्य पर भी थिरकते हुए नजर आए। उधर आपको बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी के निर्णय के बाद अब शिमला के चौड़ा मैदान पर धरने पर बैठे विभिन्न पोस्ट से ने दरअसल सरकार के फैसले का धन्यवाद किया है। लंबित भर्ती के परिणाम घोषित करने के मांग को लेकर क्रमिक 30 दिनों से अनशन पर डटे थे और जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 पोस्ट कोड 939 को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद सामने आए सकारात्मक प्रयासों से जल्द परिणाम के घोषित होने की उम्मीद जगी है। इसलिए अभ्यर्थी क्रमिक अनशन को मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक जारी रखेंगे। सर, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से हूँ। मैं पोस्ट कोड जीआईटी 817 का अभ्यर्थी हूँ। 30 दिन हो गए, पिछले 30 दिनों से हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पर जब से सब कमेटी की मीटिंग हुई है और हमारे लिए हक में फैसला हुआ है, तब से एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में जगी है। सब कमेटी के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सब कमेटी के जितने भी सदस्य थे, श्री विक्रमदित्य सिंह जी, श्री यादविंदर गोमा जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी और सब कमेटी ने जो हमारे हक में फैसला लिया, उसका स्वागत करते हैं। अभी जो फैसला आया है, सब कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो हमारे लिए एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण है। हमें बहुत खुशी है इस फैसले से और हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी ये फैसला दिया है। हमारे प्यारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो इस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन थे, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रणनीति सर यही है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि जैसे 817 का रिजल्ट आया है वैसे ही हमारा रिजल्ट भी आएगा। हमें भी 2 साल हो गए हैं, 24 अप्रैल 2022 को हमारा टेस्ट हुआ था, उसके बाद हमने टाइपिंग परीक्षा दी है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट है। तो हमें पूरा भरोसा है, जैसे कि सब कमेटी ने 817 के लिए रास्ता निकाला है, बाकी पोस्ट कोड के लिए भी वो रास्ता निकालेंगे। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान सजना शुरू हो गया है, जिसमें कि राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई राजनीतिक उठापटक अभी शांत नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एआईसीसी प्रवक्ता और साथ ही पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे कुलदीप सिंह राठौर से ने जनता टीवी से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने खास बातचीत की। मैं लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है और ऐसे में अब जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी कमर कस ली है, लेकिन इन सब के बीच हिमाचल सुर्खियों में रहा और वजह रही यहाँ बीते दिनों हुए राज्यसभा चुनाव को बाद हुआ प्रकरण। और इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एआईसीसी के प्रवक्ता, ठियोग से विधायक और पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे कुलदीप सिंह राठौर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक है, बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, किस तरह से देखते हैं तैयारियों को लेकर खास तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का नारा है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर वो लोग कर रहे हैं और ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश है वहाँ सत्ता विरोधी रुझान है और मुझे नहीं लगता कि ये जो एक पूरे प्रदेश में देश में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करें, ऐसा होने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों हिमाचल लगातार सुर्खियों में रहा और वजह रही यहाँ जो राज्यसभा के चुनाव हुए उससे पूरा प्रकरण सामने, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पर बागी विधायकों को लेकर किस तरह का आपका रुख है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है, क्योंकि इस पर नियंत्रण किया जा सकता था, लेकिन अगर अब हो गया तो अब आगे किस ढंग से हमें जो है परिस्थितियों को संभालना है
उसके लिए जो है प्रयास होने चाहिए और अपने तौर पे पार्टी प्रयास भी कर रही है। पूरे प्रकरण में भाजपा की सम्मिलितता की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, लेकिन भाजपा लगातार इस बात को नकार रही है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, और ख़ास तौर पर भाजपा का ये आरोप है कि ये अंदर खाने की जो कांग्रेस की राजनीति है उसका सब परिणाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरे खेल में, इस पूरे प्रकरण में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए कि आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की ओर से भी एक बैठक बुलाई गई है विधायक दल की, किस तरह के मुद्दों पर आज चर्चा होने की ज़रूरत है, खासतौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? अभी देखते हैं, बैठक बुलाई है निश्चित तौर पर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल दहलीज पे है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है चर्चा होगी। राठौर जी, आप खुद अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और आप वर्किंग को समझते हैं पार्टी की, इन सब जो प्रकरण है इनका प्रभाव किस तरह से देखते हैं आप पार्टी के अंदर, और क्या जरूरत है, किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है ताकि जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल जो है एक बार फिर से जो है मजबूत हो सके? देखिए, नुकसान तो हुआ है, अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होनी है उसके लिए हम सब लोग मिल के जो है प्रयास कर रहे हैं, और कार्यकर्ता भी हमारे समझ रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी, और ऐसे संकट किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में आते हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही हम जो है इस संकट से उभर के बाहर निकलेंगे। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो उधर देश में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है, अब ऐसे में अब चुनाव आयोग भी आम जनमानस को चुनाव के लिए जागरूक करने के अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शिमला आरकेवीएम कॉलेज में दृष्टिबाधित संकेत की असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान नेगी को चुनाव आयोग ने चौथी बार युद्ध आइकॉन बनाया है। बता दें आपको कि मतदान, इसकी जागरूकता और साथ ही यहां पर दृष्टिबाधितों के लिए चुनाव प्रणाली में क्या करने की जरूरत है, इसी को लेकर जनता टीवी के जो संवाददाता हैं रॉबिन शर्मा, उन्होंने खास बातचीत की। भारत महज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की मातृभूमि भी है, और ऐसे में जब महापर्व लोकतंत्र का सामने आने वाला है यानी कि लोकसभा का चुनाव, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी है, और चुनाव आयुक्त भी अब तरह तरह से जो लोग हैं उनको, खासतौर पर युवाओं को और देश के सभी नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कवायद शुरू कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मुस्कान नेगी मौजूद हैं। ये शारीरिक बाध्यताओं के बावजूद इन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया है और उसी के चलते आज ये यूथ आइकॉन के तौर पर यहाँ पर चुनाव आयोग ने इनको नियुक्त किया है, हमारे से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका नेगी जी। सबसे पहले आप बताएं कि आपको चौथी बार यहाँ पर चुनाव आयोग ने यूथ आइकॉन के तौर पर नियुक्त किया है, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे मतदान के प्रति? मैं वैसे ही हमेशा की तरह सोशल मीडिया के थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मोटिवेट करूँगी, इसके अलावा अपने आस पड़ोस में भी मैं मोटिवेट करूँगी लोगों को, बाकी मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में भी मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। मुस्कान, आप लगातार, क्योंकि एक बहुत मुश्किल होता है इस सब के बावजूद, किस तरह की परिस्थितियां रहती है खासतौर पर आपके लिए, किस तरह की मुश्किलें हैं मतदान करने के लिए और क्या उनमें बदलाव किए जा सकते हैं, क्या आपके सुझाव हो सकते हैं? मतदान में जो पिछली बार 2022 में जो हमने वोटिंग की थी उसमें थोड़ा सा होम वोटिंग में मुझे लगा कि उसमें सीक्रेसी की थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी, तो इसमें कुछ और अगर इम्प्रूवमेंट हो सके तो वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल, देखिए यूथ जो है, युवा पीढ़ी कहा जाता है कि देश युवाओं का देश है, यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है इस देश में, तो ऐसे में यूथ लोगों को बाहर आना चाहिए मतदान करने के लिए, क्या संदेश रहेगा उनके लिए आपका? जी, जैसे कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत है, महिलाएं बहुत हैं, तो फिर युवा जो है खुद भी जागरूक रहना चाहिए युवाओं को, और साथ साथ में अपने परिवारजनों को भी जागरूक करना चाहिए कि मतदान हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, और हमें अपनी सरकार, हमें स्वयं चुनने का मौका जब मिला है तो हम क्यों ना उसका भरपूर फायदा उठाएं और हम मतदान करें। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।
उधर आपको बता दें कि नाहन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर जिले के बाजरा में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करीब 7 करोड़ की सौगात देने वाली हैं। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर 7 लाख की लागत से बने एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने सिरमौर जिले में खेलों की उपेक्षा की है, लेकिन पूर्व की प्रदेश बीजेपी सरकार और केंद्र ने जिले को कई सौगातें भी दी। आज हमारे लिए एक और गौरव की बात है, नाहन विधानसभा क्षेत्र में लंबे प्रयास के बाद हमने माजरा में 7 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रो टर्फ का मैदान बनाया और कल प्रातः 11 बजे श्री अनुराग ठाकुर जी ऑनलाइन उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। सिरमौर जिला में पहला ये एस्ट्रोटर्फ का मैदान है। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने सिरमौर जिला में खेलों की उपेक्षा की, हमें एक टर्म मिला और ये एस्ट्रोटर्फ बन के तैयार हुआ। 8 करोड़ का इंडोर स्टेडियम नाहन में बन के तैयार हुआ। 2 मंजिला कुश्ती का और शूटिंग का हॉल बनकर तैयार हुआ। बैडमिंटन और टेबल टेनिस और स्क्वैश का हॉल निर्माणाधीन है। चलिए पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।